तो सबसे पहले अटल जी हम डिस्कस करते हैं कि एडवांस एक्सेल होता क्या है। ओके, क्या एक्सेल का कोई नया सॉफ्टवेयर है या एडवांस एक्सेल कोई नई फीचर्स है या कुछ कुछ फीचर्स को क्या एडवांस एक्सेल कहा जाता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कहीं रिवील नहीं किया है ए टॉपिक बेसिक है या ए टॉपिक एडवांस है, राइट? वो बेसिक या एडवांस डिपेंड करता है हमारे यूजर्स के ऊपर। तो चलिए आज हम इसी चीज को समझाते हैं इस डेमो क्लास में। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ चलिए, तो एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि हमारी क्लासेस के अंदर में किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाएगा ताकि वो एडवांस की तरह आपको लगे। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाऊंगा मैं। जैसे मैं यहाँ पे 20 टाइप करता हूँ, यहाँ पे 30 करता हूँ। 20 को मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया और इसके ऊपर मैंने पेस्ट किया, तो हमारा जो ये है 20 30 है, 20 20 से रिप्लेस हो गया। क्या इसकी सेल वैल्यू उसके ऊपर चली गई। अब मैं कंट्रोल जेड कर दिया, अब मैं राइट क्लिक करता हूं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल जब क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है, आपने शायद इसका यूज भी किया होगा अपने ऑफिस के अंदर में। हमें ऑप्शन देता है कि जो हमने कॉपी की है उसमें से किस पार्ट को क्या पेस्ट करना है या कुछ और करना है। तो यहाँ पे ऑपरेशन का सेक्शन है, इस ऑपरेशन वाले सेक्शन के अंदर में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि ऐड। अब मैं जब ओके करूंगा तो क्या होगा कि अब 20 30 को रिप्लेस नहीं करेगा, बिटवीन 20 एंड 30 एडिशन होंगे और रिजल्ट 50 यहाँ पे स्टोर होगा। मैं एक बार और बताता हूं कि मैंने राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे गए और यहां पे मैंने सेलेक्ट कर लिया मल्टीप्लाई। अब 50 और 20 के बीच में मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट 1000 आए। अब इस एग्जाम्पल से आपने ये समझा कि पेस्ट स्पेशल करते समय हम ऑपरेशन चूज कर सकते हैं, और ऑपरेशन चूज करने से जहां से हम कॉपी करेंगे और जहां हम पेस्ट करेंगे उसके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा जो हम सिलेक्ट करेंगे और रिजल्ट हमारा पेस्ट हो जाएगा। तो ये जो तरीका है किसी ट्रेनर का पढ़ाने का, टीचर या ट्रेनर को पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि तो वो आपको समझाता है कि ऑप्शन क्या है और कैसे उसको यूज करते हैं, राइट? लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ये तरीका उनके लिए है जो एकेडमिक तैयारी करते हैं, जिनको कोई पेपर देना है, रिजल्ट देना है, जिनको ऑप्शंस के बारे में लिखना है। लेकिन एक वर्किंग प्रोफेशनल को चाहिए कि आखिर इसका यूज हम अपने ऑफिस के अंदर में कैसे करें, क्या ऐसे बेनिफिट होगा ये हमारे लिए। तो अगर मुझसे या मेरे जैसे किसी वर्किंग प्रोफेशनल से आप क्लास लेंगे तो सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम बताएगा। क्या बताएगा? एक प्रॉब्लम, जैसे कि मैं यहां बता रहा हूं कि एक्सेल के अंदर में मुझे 20% टाइप करना है, तो 20 और परसेंट का सैंपल दे के एंटर मारूंगा तो 20% आ जाएगा। अगर मैंने 20 टाइप कर रखा है और बाद में इसको सेलेक्ट करके यहाँ होम के अंदर परसेंट का सैंपल होता है इस पे क्लिक करूंगा तो 2000% आएगा, क्योंकि तो एक्सेल में 1 = होता है 100%। इससे मुझे पता चलता है कि अगर मुझे बाद में परसेंटेज लगाना है टाइपिंग के बाद, तो मुझे मेरा नंबर डेसिमल में होना चाहिए, 0.20। देन इसके ऊपर परसेंट अप्लाई करेंगे तो ये 20% होगा। जो भी नंबर पे परसेंट अप्लाई होगा वो मल्टीप्लाई बाय 100 होके शो। अब मेरे एक कलीग हैं, मुझे एक डेटा भेजते हैं। अब मैं यहाँ पे रैन बिटवीन की मदद से एक फटाफट छोटा सा डेटा क्रिएट कर देता, ठीक है? ये ना, तो मेरे कलीग मुझे इस तरह का डेटा भेजते हैं, शायद आपको भी कभी मिला हो। अब ये जो डेटा है वो क्या है, उनके हिसाब से ये 59%, बट एक्सेल के हिसाब से 59 नंबर। मतलब मुझे अगर कभी 500 का
59% निकालना हुआ तो वी जस्ट मल्टीप्लाई, अगर 59% फॉर्मेट में है, परसेंट सिंबल के साथ, अगर सिर्फ 59 है तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट गलत आएगा, मुझे अपने फॉर्मूले के अंदर में एडिशन करने होंगे डिवाइड बाय 100। अब यही मैं नहीं करना चाहता क्योंकि इस डेटा को मुझे जहां यूज करना है, कई बार हम कई सारे डेटा को मिला के अपना एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाते हैं तो वहां पे एक कुछ और डेटा भी और जगह से भी आया हुआ है, उनका कुछ और उनका रियल अच्छा फॉर्मेट है जो चाहिए उसी फॉर्मेट में, कुछ लोग हैं जो इस तरह के फॉर्मेट में भेज देते हैं, तो उसके लिए हम पूरा का पूरा अपना रिपोर्ट का फंक्शन चेंज नहीं करना चाहे। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे यही पे इसको चेंज करके फिर ले जाना है, तो मुझे इसको परसेंट में कैसे चेंज करें, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए 5900% आ जाएगा। अब मेरे मेरे पास इसके दो तरीके हैं फिलहाल, जब मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं और इस पे परसेंट का सिंबल अप्लाई करता, डबल क्लिक करूं परसेंट का सिंबल, लेकिन ये यूजफुल नहीं है और ये पॉसिबल ही नहीं है जब एक बड़ा डेटा हो। अगर 10,000-15,000 रो का डेटा आपके पास आ गया, या 10,000 तो छोड़िए, हम बात करते 100-200 ही आ गए, तो भी आपको कई घंटों का टाइम लगेगा, तो ये नहीं है। कैसे कॉपी कीजिए इसको, कॉपी कीजिए सब पे 15% ना जाएगा, हर किसी का अलग अलग परसेंट है ना। सर ये फॉर्मूला नहीं, ये नंबर है, मैनुअल नंबर है, अगर कंट्रोल डी कर दीजिएगा तो 59% आ जाएगा सब पे, ओवरराइट हो जाएगा, समझ आया। ये अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, एक कॉपी पेस्ट नहीं हो सकते हैं सर। तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 0.59, 0.86 और फिर इसके ऊपर परसेंट का सिंबल एक बार में लग जाए, लेकिन डेसिमल में परसेंट में कन्वर्ट करना, एक एक करके करना, ये तो ही बात होगी जिससे पहले बताया, लेकिन इसको ऑटोमेट किया जा सकता है किसकी मदद से, सीट वन पे जो एग्जांपल है इसकी मदद से जो मैंने बताया। हम क्या करेंगे, किसी एक सेल पे 100 को टाइप करें, ठीक है, उस 100 को कॉपी करेंगे, अब हम करेंगे एक साथ सब पे पेस्ट स्पेशल, ठीक है, यहां पेस्ट करना है, और पेस्ट स्पेशल डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसमें लेंगे कॉपरेशन में डिवाइड, मतलब हर नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे ताकि वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। 59 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0.59 आएगा ना, क्योंकि इस पे दो जीरो है, दो जीरो डॉट लग जाएगा, तो सारे के सारे नंबर डेसिमल्स में आ जाएंगे। जब डेसिमल्स में एक बार में आ गया, अब मैं इसको परसेंटेज में क्लिक करूंगा तो सारे मेरे परसेंट में हो गए जो मुझे चाहिए। अब एग्जांपल बताने का पर्पस ये हुआ कि सेम चीज आपको सीट वन में ही समझाई गई, अब यहां पे आपको जस्ट बता दिया गया कि इस ऑप्शन को ऐसे यूज करते इसलिए होता है, लेकिन वो चीज आपके ऑफिस के रिक्वायरमेंट से मेट नहीं कर रही है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो आप उसको भूल जाइएगा, स्किप कर दीजिएगा। लेकिन उसी टॉपिक को मैंने एक प्रॉब्लम के साथ डिस्कस किया तो आपको लगा ये टॉपिक जो है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व करता है, दैट इज द एडवांसेस, ठीक है। बड़े बड़े फॉर्मूले लगा देना नॉट एडवांस एक्सेल, बड़े बड़े प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व करना दैट इज द एडवांस एक्सेल, ठीक है। अब कुछ लोग बोलिए, हाँ मैं बता रहा हूं, मैं वो सब चीज आपको एक डेटा है तो बनाता हूँ, बट क्या है कि मेरे को कुछ स्पेशल चीजें लगता और आप इस तरह की बात कर रहे होंगे कि आपको इस तरह की रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, राइट।
हाँ ये मेरा कोर्स इसी पे डिपेंड है। मेरा जो कोर्स है वो रिपोर्ट ऑटोमेशन एंड डेटा विजुलाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड। देखिए ठीक है, ऐसा ऐसा आपको 30 से 40 डैशबोर्ड पढ़ाया जाए बढ़िया सर। देखिए देखिए देखिए, डैशबोर्ड बनाने का तरीका, पिवट लगाने का तरीका हर डेटा पे एक ही तरह का होता है ना सर, चाहे वो सेल्स का हो, सर्विस का हो या कुछ और का हो, ठीक है ना। अब थोड़ी कि सेल्स में एज लाइन चार्ट कुछ और होती है, वहां भी तो सेम लाइन चार्ट होता है, बस स्टैटिक चेंज हो जाते हैं ना। हाँ नहीं, वो है ना, आपको तो लाइन चार्ट तो एक ही तरीके से लगती है ना, उसकी फॉर्मेटिंग अलग हो सकती है, अलग शो हो सकता है, राइट ना। सेल्स डैशबोर्ड हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सेल्स बच्चों को समझ में जल्दी आता है, कितना बिका, कितने का खरीदा, कितने का बेचा, क्या प्रॉफिट। अब जैसे मान ले कि मैं फाइनेंशियल इक्वेशन और क्या बोलते हैं प्रोडक्शन इक्वेशन वगैरह पढ़ाने लगू तो हर बच्चे को समझ में आना मुश्किल है। लेकिन हर तरह के डैशबोर्ड हम कवर करते हैं, शायद आपने मेरा कंटेंट पढ़ा होगा। अब चलिए, अब कोर्स कंटेंट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको भेजा था। तो मेरे पास दो कोर्स है, राइट, हम दोनों कोर्स आपके सामने ओपन कर रहे हैं और दोनों में हम कंपेयर कर, ठीक है। देखिए मेरे पास दो कोर्स है, एक तो ये रहा हमारा, एक कोर्स हमारा 2021 में डिजाइन हुआ था जो दिख रहा है आपको, एडवांस एक्सेल एंड डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड MIS। इसके अंदर क्या है बताता हूं, इसके अंदर एक्सेल के सारे फीचर्स कवर है, बेसिक टू एडवांस, फॉर्मूले भी सारे कवर है, राइट। इसमें पिवट के साथ डैशबोर्ड भी कवर, बट इसमें क्या है कि थोड़ी सी एग्जाम्पल कम है। इसमें आपको बहुत कराएंगे तो 5 से 7 5 डैशबोर्ड तक ही आपको कराए, इसलिए इसकी ड्यूरेशन 2 महीने की है। अगर अब ये जो नया कोर्स आया है जिसमें मैं बातचीत हुई थी, एक कोर्स नया है ये, हमने जस्ट पिछले महीने जून में ही इसको, जुलाई में इसको मैंने तैयार किया है। अब इसका मेन पर्पस क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले जो कोर्स 1 है इसमें पूरा पूरी की पूरी इंक्लूड है, ये आपको दिख रहा है, एक कोर्स 1 ही है, राइट। इसमें इसके 5 माइलस्टोन है। सबसे पहला है कंप्लीट एक्सेल बेसिक टू एडवांस विथ 500 फॉर्मुलेज एंड फॉर्मुले ट्रिक्स। उसके बाद हम बात करेंगे 20 पिवट एडवांस पिवट टेबल एंड ग्रेटर देन 20 डैशबोर्ड विथ पिवट टेबल। ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, अभी दिखाया 2 डैशबोर्ड जो दिखाया, इस तरह के 20 डैशबोर्ड, सेल्स से एनर्जी डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड, ऐसे बहुत सारे डैशबोर्ड हम कवर करेंगे हर तरह, हर एंगल से, ताकि क्योंकि आप भी जिस कंपनी में हो सकता है किसी और कंपनी में कोई और तरह का डैशबोर्ड बनता हो, तो मोस्टली हर एंगल से हम डैशबोर्ड को समझने की कोशिश करेंगे विथ पिवट टेबल। इसके बाद हम बात करेंगे मास्टरी ऑफ डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, क्योंकि जब आप डेटा कहीं से रिसीव करेंगे तो गारंटी नहीं है कि डेटा आपका उस सही फॉर्मेट में हो जिससे आप रिपोर्ट बनाना शुरू करें। उस डेटा को रिपोर्ट बनाने तक प्रोसेस करना हम यहां सिखाएंगे। उसके बाद डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसके बाद डेटा प्रेजेंट करते समय किस किस चीजों का चुनाव करना, एक रिपोर्ट में अट्रैक्टिव कैसे बने, ये 5 माइलस्टोन इसके। तो इसमें मैंने बताया कि आपका कोर्स 1 पूरा का पूरा इंक्लूड है। उसके अलावा इसमें हम बात करेंगे AI विथ एक्सेल, पैथन विथ एक्सेल। अब पैथन क्या है कि कई बार हमें कुछ अलग तरह का चार्ट बनाने होते हैं तो उसकी पैथन कोडिंग हमें मिल जाती है, तो एक्सेल के अंदर में हम यहां से वो पैथन बना सकते हैं, क्योंकि पैथन के अंदर में आपके साथ पांडाज होते हैं, मैटप्लोटलिब जैसे लाइब्रेरीज है जो कि थोड़ी सी अट्रैक्टिव और अलग तरह का चार्ट बना के देती है। एक बार एक कोई एग्जांपल चाहिए मैं बताऊंगा अभी, कोर्स को समझ लीजिए, ठीक है ना, राइट। उसके बाद यहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट,
ये आपके प्रोजेक्ट होगा, इसमें हम सैलरी ऑटोमेशन रिपोर्ट, लोन ऑटोमेशन, इन्वेंटरी, फाइनेंशियल, कस्टम्स जा रहे हैं, ठीक है आपको प्रोजेक्ट मैनेजर में एक्सपेंस ट्रैकिंग रिपोर्ट, सेल्स फोरकास्टिंग, कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट, आपने बोला सिर्फ सेल्स डैशबोर्ड, ठीक है आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको सर हर तरह के हम यहाँ पे, ये डैशबोर्ड नहीं है, ये क्या है एक पूरी की पूरी सिस्टम है, मतलब कि मुझे अगर सैलरी मेंटेन करना है तो हम एक ऐसा फाइल बनाएंगे जो पूरी की पूरी सैलरी मेंटेन कर, मुझे एक लोन मैनेजमेंट करने का फाइल चाहिए जो पूरी की पूरी लोन मैनेजमेंट करे, तो ये हमारा हो जाता है ऑटोमेशन फाइल, और ये हो जाता है हमारा डैशबोर्ड, सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, मार्केटिंग रिपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट डैशबोर्ड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डैशबोर्ड, ठीक है ई कॉमर्स डैशबोर्ड, केपीआई डैशबोर्ड, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, कस्टमर सर्टिफिकेशन डैशबोर्ड, दिख रहा है आपको सर इस तरह के डैशबोर्ड है। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये मैंने दिए हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐड करना है कि सर मुझे इसमें इस तरह के डैशबोर्ड भी चाहिए, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर देख लीजिएगा मेरा जो कंटेंट है वो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, मैं इन मिनिमम इतना पढ़ाऊंगा, इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐड करना है तो इसमें ऐड कर सकते, समझे? ठीक है। अब इसकी ड्यूरेशन की बात कर, इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो होगी आपका तकरीबन 55 से 60 घंटे की। अब बोलेंगे सर 55 से 60 घंटे की है तो 2 महीने में हो जाना चाहिए, आपने 4 महीने का ड्यूरेशन क्यों दिया? तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि महीने में 30 क्लास थोड़ी होगी, एक क्लास आपकी 45 मिनट के आसपास की होगी, और महीने में सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, कई बार हो सकता है कि मैं मेरी कुछ प्रॉब्लम हो जाए या मैं बीमार पड़ जाऊं या टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो दिन क्लास नहीं होगी, कभी आप ऐसा होगा कि आप कहीं चले गए या आपके कुछ काम आ गए ऑफिस में बुला दिया, आपके एंड से क्लास नहीं होगी क्या? तो ऐसे केसेस में एवरेज मेरा देखा गया है, यहाँ पे एवरेज देखा गया है कि जो एवरेज क्लास है वो आपका 18 to 20 क्लासेस होती है महीने में, ठीक है ना? तो एवरेज आपका 4 महीने, अभी 4 महीना भी एवरेज है, हो सकता है कि एवरेज ये 4 महीने का टाइम आपका कम या ज्यादा भी हो जाए, ठीक है ना? लेकिन एवरेज 4 महीने के आसपास, 4 महीने के आसपास ये हमारा क्लास जाता है, ठीक है? एवरेज 4 महीने का क्लास जाता है, ठीक है? तो इसलिए 4 महीने के ड्यूरेशन आपको इसमें लगेगा। क्लासेस लाइव होगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा, क्लासेस के अंदर में आप जो भी पूछना चाहे मेरे साथ पूछ सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर आपको कोई ऑफिस की प्रॉब्लम है तो आप जो है और इसके यूज भी ऑफिस के अंदर भी आप इस क्या बोल सकते हैं क्लास के अंदर ऑफिस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। टेलीफोनिक सपोर्ट मिलेगा, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? और कहीं कभी आपको क्लास के बाद, आपकी मान लीजिए क्लास खत्म हो गई और क्लास खत्म होने के बाद भी आप चाहते हैं कि मुझे मुझे आपका ये चाहिए सपोर्ट चाहिए, तो आप मुझे सपोर्ट मेरे साथ ले सकते, ठीक है? और इसके असाइनमेंट वगैरह देखिए, हर क्लास आपकी लाइव होगी, क्लास के बाद क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग, क्लास का फाइल और होमवर्क सब कुछ मिलेगा आपको एवरीडे। जैसे कि अगर मैं अगर इसमें हम डे 2 की बात करें, यहाँ पे डे 23 इस तरह से आपको फाइल मिलेंगे, डे 2 हमारा आता है सिलेक्शन, डेटा सिलेक्शन डे 2 है ना, मान लीजिए दूसरे दिन में पढ़ाऊंगा आपको, पहले दिन इंट्रो होता है, ये देखिए मैं आपको टॉपिक समझाया, टॉपिक से रिलेटेड मैंने चीजें दी, और ये आपका इरा पीआर प्रोजेक्ट दी, ये आपका होमवर्क, इसी तरह से आपको मिले, ठीक है?